finding an appropriate research topic is the most crucial and most critical part in your research journey. Jitna zyada time aap is point par denge aur jitna critically sochenge, utni zyada अच्छी आपकी रिसर्च कंडक्ट होने वाली है. बिकॉज हाउ मच योर रिसर्च इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर सोसाइटी, इट मैटर्स अ लॉट. फॉर दैट पर्पज आपको अपने फील्ड के अंदर रिसर्च गैप को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फॉर यंग रिसर्चर्स, फॉर प्रोफेशनल्स, बिकॉज दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग लिटरेचर एंड स्टडिंग द प्रीवियस वर्क एंड थिंकिंग क्रिटिकली एंड अवेलुएटिंग टू फाइंड द अप्रोप्रिएट रिसर्च गैप, जिसकी बुनियाद पर वो अपना रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस बिल्ड कर सकें एंड अल्टीमेटली अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल को. एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो कि यंग रिसर्चर्स फेस करते हैं, दैट हाउ दे कैन आइडेंटिफाई दैट पोटेंशियल एरिया जिसके ऊपर वाकई ही काम करके वो अपनी रिसर्च का सोशल इम्पैक्ट जो है वो भी डाल सकेंगे. आज से पहले तक इस प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं था स्वाय मैनुअल रिसर्च के, बट टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ माइंड ब्लोइंग टूल विद यू जो कि आपको आपके फील्ड के अंदर रिसर्च गैप से लेकर रिसर्च टॉपिक फाइनल करने तक एक नहीं दो नहीं मल्टीपल चॉइसेस देता है. एंड दैट टूल वर्क सो एक्यूरेटली एंड सो सिस्टमैटिकली दैट इट विल अमेज यू ऑल्सो. द नेम ऑफ दैट टूल इज अवक्साना. व्हेन यू गूगल इट देन यू विल फाइंड this platform specifically with this logo Avaksana research assistant. आपने इसको क्लिक करना है एंड आप इसके साथ try now for free का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल what you have to do, आपको सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन देनी है. इसके फोर स्टेप प्रोसेस है. सबसे पहले आपने अपना नाम, जिस डिग्री में आप इनरोल हैं, आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, उसके बाद आपकी स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, उसका माइनर क्या है, ताकि वो ज़्यादा डीप इन जा सके. बिकॉज इस प्लेटफॉर्म का अपना एक डेटाबेस है, जिस डेटाबेस से जो भी कमांड आप देते हैं उस पर वो रिसर्च करने के बाद आपको आपके फील्ड के अंदर डिफरेंट रिसर्च टॉपिक सजेस्ट करता है. और अगर आप उसको मजीद एक्सप्लोर करना चाहें देन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन. देन यू हैव टू डू नेक्स्ट अगेन. और अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपके पास तीन ऑप्शन हैं. आपको कोई टॉपिक सिरे से आपके को पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है, आप टॉपिक लिखेंगे. आपको टॉपिक चाहिए तो वो आपको टॉपिक प्रोवाइड कर देगा. आई हैव अ सुपरवाइजर सजेशन. अगर सुपरवाइजर ने आपको कुछ सजेस्ट किया है और आप उसमें कोई वेरिएशंस देखना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं. या अगर आपके पास टॉपिक है और आप उसकी मजीद वेरिएशन इसी तरह से देखना चाह रहे हैं तो इन ऑल केसेज दिस टूल वर्क ट्रेमेंडसली. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने ये लिखा मिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड, मैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ मिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स इन मेडिसन्स फॉर एग्जाम्पल देखना चाह रही हूँ. तो इंक्लूड मेजर एंड माइनर दोनों को मैं चाह रही हूँ कि इंक्लूड करे एंड देन आई विल प्रेस नेक्स्ट. अवक्साना आपको पांच बेहतरीन रिजल्ट्स जो है देगा अकॉर्डिंग टू योर क्यूरी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी क्यूरी ये थी कि मुझे एप्लीकेशन ऑफ अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स की इन मेडिसिन फील्ड चाहिए. तो बिफोर कमिंग एट दिस पॉइंट कि आप अवक्साना से सजेशंस लें, आपको पता होना चाहिए कि आपके मेजर एरियाज क्या हैं. लाइक मुझे पता है कि मैंने आयनिक लिक्विड्स पे काम करना है जो कि ग्रीन केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, और आयनिक लिक्विड्स की भी आगे से मल्टीपल हंड्रेड एंड थाउजेंड टाइप्स हैं. मुझे पता है कि मुझे अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स पे काम करना है, और अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड की एप्लीकेशंस बहुत वर्सटाइल है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली उसको मेडिसिन में चेक करना चाह रही हूं. अब मेडिसिन एज सच एक बहुत बड़ा फील्ड है, और अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स जो हैं इनकी भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं. इनके कैटायन और एनायन चेंज होते हैं, इनकी जो है चेंज चेंज होती हैं, तो इनकी वैरायटी जो है वो चेंज होती जाती है. बट आई एम स्पेसिफिकली नॉट एज मच स्पेसिफिक एंड नॉट एज मच ब्रॉड. जितना ज्यादा आप करीब होंगे अपने रिसर्च टॉपिक के और रिसर्च एरियाज के, उतना ज्यादा आपको अच्छी और परफेक्ट सजेशन जो है यहां पर मिलेंगी. हम इसको देखते हैं. इंप्रूव ड्रग सॉल्युबिलिटी विद अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड फॉर एनहांस बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है. डेवलपिंग नॉवल वाउंड हीलिंग एजेंट्स यूजिंग अमिडाजोल डेरिवेटिव्स एज एंटी माइक्रोवेबल एंटी टिश्यू रीजनरेटर. तो ये बहुत इमर्जिंग फील्ड्स है जिन पे काम हो रहा है. टारगेटेड कैंसर थेरेपी थ्रू अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड मेडिएटेड डिलीवरी सिस्टम. तो माइंड ब्लोइंग आइडियाज विच आई एम गेटिंग थ्रू दिस टूल. Exploring the role of अमिडाजोल based अमिडाजोल derived आयनिक लिक्विड इन स्टेम सेल कल्चर एंड एक्सपेंशन टेक्निक्स. तो आप देख सकते हैं कि ये सारे अमर्जिंग एरियाज हैं जिनके ऊपर अमिडाजोल का रोल जो है इन मेडिसिन फील्ड स्पेसिफिकली मुझे बताया जा रहा है. नो आई हैव अनदर ऑप्शन कि मैं कोई सी दो ऑप्शंस मुझे नजर आ रही हैं तो मैं अवक्साना से ये कह सकती हूँ कि मुझे इनको कंपेयर करके दो. जब वो कंपेयर करेगा तो वो बहुत सारी डिटेल्स के साथ टॉपिक मेरे पास आएंगे और वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो बेहतर है और आप कौन सा चूज कर सकती हैं. सो आई विल ऑन दिस. और फॉर एग्जाम्पल मुझे इनहेंस बायो अवेलेबिलिटी और सेल कल्चर एक्सपेंशन टेक्निक्स जो है इनमें इंटरेस्ट है, तो आई विल आस्क इट टू कंपेयर इट फॉर मी. नाउ यू कैन सी कि मेरे पास एक डिटेल कंपेरिजन आ गया इन दोनों रिसर्च टॉपिक का, जिसमें इंप्रूविंग ड्रग्स अवेलेबिलिटी
बायोअवेलेबिलिटी विद मेटासोल बेस्ड आयनिक लिक्विड फॉर एनहांस बायोअवेलेबिलिटी के बारे में वो ये कह रहा है, रिसर्च ऑन इम्प्रूविंग ड्रग सॉलिबिलिटी यूजिंग मेटासोल बेस्ड आयनिक लिक्विड हैज शोन प्रॉमिसिंग रिसर्च एनहांसिंग बायोअवेलेबिलिटी. आयनिक लिक्विड्स आर सॉल्ट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन डिसॉल्व बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड. द यूज ऑफ मेटासोल बेस्ड आयनिक लिक्विड एज अ सॉल्वेंट और को सॉल्वेंट हैज बीन फाउंड टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ पोली वाटर सॉलिबल ड्रग्स लीडिंग टू इम्प्रूविंग अब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी. सो कितना नाइसली उसने बताया है कि आयनिक लिक्विड का क्या रोल हो सकता है मेडिसिन में. की फाइंडिंग फ्रॉम द रिसर्च इंक्लूड द ability of metazole based ionic liquid to form a stable complex with drug through hydrogen bonding and other non-covalent interactions. This enhances the solubility of the drug in the ionic liquid, allowing it to be delivered at higher concentration than traditional solvents. Additionally, these ionic liquids has been shown to reduce the aggregation of proteins and peptides, further increasing their effectiveness as a drug delivery system. So, यहाँ पर detailed summary जो कि उसके database ने उसको निकाल के दी है कि why this work is important, why this research topic is important. यहाँ पर वो उसको Avexana is convincing us like a pro researcher और उसके पास सारी evidences हैं कि ये topic क्यों अच्छा है. फिर वो ये कहता है कि this research topic is, इसका जो research gap है that is 43.73% relevant to the article in our data. This topic is specialized area of research that has gained attention in recent years. इसी तरह दूसरे topic की भी उसने मुझे argue करने की कोशिश की है और वो उसका भी उतना ही potential है और हम यहाँ पर इसका पेड फीचर यूज करके इस टॉपिक को लॉक कर सकते हैं. जब हम लॉक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि यह टॉपिक अब किसी के लिए अवेलेबल नहीं है. यू आर द ओनली पर्सन जो कि इस डेटाबेस को यूज करके इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम करने जा रहा है. नोबडी इवन कैन सी दिस रिसर्च टॉपिक ऑप्शन. यू आर द ओनली ओनर ऑफ दिस रिसर्च टॉपिक. टू लॉक दिस फीचर यू हैव टू बाय इट्स प्रीमियम ऑप्शंस जिसमें आपके पास एक्सप्लोर करते हैं. अगर आप वन यूनिक टॉपिक लेते हैं, रिसर्च गैप और उसका स्कोर फाइंड करते हैं, कोड रीडिंग मटेरियल लेते हैं, डेवलप प्रपोजल करवाते हैं, शेयर विद द सुपरवाइजर की ऑप्शन है, सारी चीजें आप लेते हैं तो आप 20 यूरो में ये कर सकते हैं. अगर आप प्रोफेशनल रिसर्चर हैं और आप मंथली 3 रिसर्च टॉपिक जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं तो 50. और अगर आपका कोई बहुत बड़ा रिसर्च ग्रुप है या आप कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो इवन यू कैन बाय योर ओन कस्टमाइज प्लान बाय गिविंग योर रिक्वायरमेंट और उसके अकॉर्डिंगली आपको एवेक्साना की टीम जो है वो एक कस्टमाइज प्लान तैयार करके देगी जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपके जो बिलिंग है उसको तैयार किया जाएगा. सो व्हाट हैपन व्हेन यू लॉक इट, आपके पास आपकी जो रिसर्च टॉपिक है, जो भी रिसर्च आपने जो लॉक किया है वो आपका इस तरह से लॉक हो जाएगा और योर रिसर्च टॉपिक ये लॉक हो चुका हुआ है. अब आपका कौन सा रिसर्च गैप नंबर जो है वो अप्रोप्रिएट रिसर्च गैप है और आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए. उसके लिए आप ये स्कोर रेंज चेक करें. 0 to 30% का मतलब ये है ये टॉपिक हैज़ लो कवरेज इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, इट इज़ अ हाईली लाइकली टू बी रिसर्च गैप. तो जितने कम परसेंटेज होगी उसका मतलब ये है कि ये अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑलरेडी लिटरेचर में एग्जिस्ट करती है. 0 to 30% तक का मतलब ये है कि दैट टॉपिक हैज बीन लेस कवर्ड, लेस रिसर्च और उसमें रिसर्च का मार्जिन ज्यादा है. वो रिसर्च टॉपिक आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रिसर्च टॉपिक है अगर उसको कंडक्ट करने के आपके पास रिसोर्सेज हैं. देन इफ यू मूव टूवर्ड 30 to 70%, योर टॉपिक हैज अ मॉडरेट कवरेज इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, इट इज लाइकली टू बी रिसर्च गैप आफ्टर सम रिफाइनमेंट. एंड देन इफ इट इज ग्रेटर देन 70%, योर टॉपिक हैज हाईली कवरेज इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिफाइनमेंट्स टू फाइंड अ रिसर्च गैप. तो उसके ऊपर काफी सारा उसके ऊपर चेंजेस की उसकी जरूरत है. तो ये हमारा जो रिसर्च गैप है दैट इज 46.38% मींस अमर्जिंग एरिया है, लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लाइंग बिटवीन द एक्यूरेट रेंज दैट इज बिटवीन 30 to 70%. तो हम इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं. व्हेन यू लुक एट द फीचर्स तो आपको इतने मजे के फीचर्स मिलेंगे. जब हम ये रिसर्च टॉपिक माई इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, यहाँ पर देखें अपकमिंग फीचर्स जो हैं वो कौन से हैं. आपको यहाँ पर थीसिस के टेम्पलेट्स मिलेंगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेस भी मिलेगी गूगल डॉक्स की तरह अपने डाटा को स्टोर करने की. डाटा डालते जाएंगे एंड दिस सिस्टम विल ऑटोमेटिकली अरेंज योर डाटा इन द रेलिवेंट चैप्टर. आपके उस डाटा के अकॉर्डिंग थीसिस के चैप्टर अरेंज और उस डाटा को रेलिवेंट चैप्टर्स ऑफ थीसिस में अरेंज करके आपको देगा. तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है. थीसिस की प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं. अगेन यू विल हैव अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स और उन टेम्पलेट्स में से आप अपनी ये आपको सजेस्ट करेगा, आप उसको डाटा देंगे एंड देन को मुख्तलिफ थीसिस प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स जो है उनकी सजेशन भी मिलेगी. आपको एडिटर की ऑप्शन मिल सकती है. हियर यू कैन राइट एंड इवन एडिट और आपकी ग्रामर और पंक्चुएशन और जो एकेडमिक राइटिंग में आपको प्रोफेशनल राइटिंग के लिए जिन एडिटिंग टूल से गुजरना पड़ता है ये सारी ऑप्शंस आपको एवेक्साना प्रोवाइड कर रहा है. देन यू कैन आर्गुमेंट बिल्डर यहां पर आ रहा है. रिसर्च रीडिंग लाइब्रेरी आ रही है, आप अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं. देन यू गेट द साइटेशन, यू गेट द रेलेवेंट लिटरेचर आल्सो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपिंग योर रिसर्च टॉपिक, फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट रिसर्च गैप, फाइंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ दैट टॉपिक, फिर उसके बाद यहां पर जितना भी आपको लिटरेचर चाहिए उसको आप मैनेज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं. यू कैन डू राइटिंग आल्सो, आपको एडिटिंग की फैसिलिटीज मिलती हैं. इसके अलावा आप
आपको थीसिस के टेम्पलेट्स मिलते हैं और थीसिस प्रेजेंटेशन के भी टेम्पलेट मिलते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर रिसर्च जर्नी टिल द थीसिस प्रेजेंटेशन और अ वाइवा और डिफेंस ऑफ योर पीएचडी थीसिस, दिस टूल इज गोइंग यू हेल्प यू एट each step professionally. So you can sign up this tool with your Gmail ID और यहाँ पर join mail list जो है उसको ज़रूर join करें ताकि इसके जितने भी updates आएँ आप उनसे aware रहें, उनसे familiar रहें और उनसे benefit भी ले सकें. I hope so this video will help you in your research career. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो किसी ने आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो इसको दूसरे fellows तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें. अपने फीडबैक, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन किया करें. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो इधर अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.